Arsenal FC. Arsenal. Pay attention. Arsenal FC is a TV series. Arsenal FC is a TV. A TV series. Why am I saying so? Because fans who are supporting Arsenal FC, they are always waiting for the next season. Hey, I don't want peace. I want problems always. अरे मेरे प्यारे आर्सेनल फैंस, आई फील सो सैड फॉर यू ऑल। सच में भाई, मतलब हर एक सीजन आप वेट करते हो। दिस इज द सीजन, हम चैलेंज नहीं, हम जीत जाएंगे। यस, अभी भी जीत सकते हो आप टूटी, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस। कितना मतलब जितना आप ट्रस्ट करते हो तब तक भाई आर्टेटा तो निकल देंगे, मतलब फॉर ऑल वी नो। लेकिन जोक्स अपार्ट, बोनमत में जीतना हर एक टीम का बस की बात नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन, राइट? लेकिन इवन मोर सीरियसली, What was the mistake जो आर्टेटा ने किया था in that 2-0 away loss, जो mind you पहला away loss है in the Premier League for Arsenal this calendar year में, wow। और finally Arsenal का unbeaten streak end हो गया इस season में in all competitions, so आर्टेटा कहीं ना कहीं तो गलत हुए मेरे ख्याल से। starting 11 you have to question it। अच्छा, by the way, we'll be discussing other games of that Super Saturday और of course building up to that Sunday, लेकिन hit that like button, don't forget to subscribe and of course hit that bell icon so that you know whenever we do any content। Starting 11 क्या था Arsenal का भाई? The difference was that left wing ना पूरा नया था। अब देखो, हर एक game ये नहीं left wing शुरू करती। Yes, injuries were there, yes, midweek में game है आपका Europe में, yes, international break के बाद था, लेकिन to play Calafiori, Mikel Merino और Trossard on the left along with Raheem Sterling getting a start, चार सरप्राइज पैकेज, इज इट टू ओवर कॉन्फिडेंट और इज इट ज्यादा रिस्क नहीं लिया विद मार्टिनेली? प्रॉब्ली शुड हैव स्टार्टेड, बट अगेन वन कैन आर्ग्यू कि मार्टिनेली को एक फिनिश करना था चांस आफ्टर कमिंग ऑन, बट क्रेडिट टू बोर्नमथ भाई, बोर्नमथ डिड वेल। लेकिन आर्सेनल का डिफेंस, द सो पॉपुलर डिफेंस, द टॉकिंग पॉइंट बीइंग कि भाई उसी डिफेंस ने अब इतने सारे गोल्स भी कंसीड कर लिए, to be very honest। तो जो आर्सेनल फैंस कंपेयर कर रहे थे ना टू द इनविंसिबल्स और स्पेशली टू द चेल्सी टीम जो 15 गोल कंसीड की थी भाई, वो नहीं होने वाला। टॉक अबाउट द डिफेंस, रोल्स रॉयस है भाई आपके पास, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, यस ही इज वेरी गुड, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग, ये हफ्ता अच्छा नहीं गया। सेम थिंग हैपेंड इस गेम में, क्लियर रेड कार्ड है, यस, ओवरटर्न फ्रॉम येलो टू रेड, सलीबा की बात हो रही है, 100% रेड कार्ड, नो टू वेज अबाउट इट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग कि वो अब लिवरपूल का गेम मिस करेगा, यस, जस्ट एक गेम, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, मे बी अ टाइटल डिसाइडर। लेकिन विल आर्सेनल क्रम्बल? यहाँ तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग एड्स देना शुरू कर दी थी, बट डोमिनोज का तो अलग ही था। सीरियसली ब्रो, दैट्स फनी। बट टॉकिंग पॉइंट क्या था ऑफ दैट रेड कार्ड? PGMOL का हेड हार्वर्ड वेब वॉज देयर इन द क्राउड और वो पूरा प्लग्ड इन था, प्लस टेक्स्ट करे जा रहा था इन दैट वेरी मोमेंट इन टाइम। अब कोई यहाँ आर्ग्यू नहीं करेगा कि रेड कार्ड नहीं था, मैं 100% बोल रहा हूँ रेड कार्ड था, बेन वाइट नहीं कवर करता, ठीक है, जो बाय द वे आल्सो वाज कमिंग बैक ऑफ इंजरी काइंड ऑफ, राइट? लेकिन देयर वाज समथिंग रॉन्ग। इज इट दैट मैन सिटी का वो लोग वेट करें कि वो डॉक होंगे पॉइंट्स एनीवे इन द सेकंड हाफ द सीजन मे बी, और नॉट टू काइंड ऑफ गिव आर्सेनल दैट चांस? आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है शेडी हो मामला, लेकिन क्लियरली रेड कार्ड था, तो वहां तो हम लड़ नहीं सकते भाई, इवन इफ यू आर एन आर्सेनल फैन। लेकिन रेड कार्ड इतने हो क्यों रहे आखिर? मतलब 8 गेम में आपके 3 रेड कार्ड हो गए, देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड नॉट जस्ट रिसेंटली, इवन लास्ट 5 इयर्स का डेटा देखो तो मोस्ट रेड कार्ड आर्सेनल के ही हुए, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मतलब आई नो डार्क कार्ड से चीज होती है, बट ऑल्सो आर दे डूइंग अ लिटिल बिट टू मच? कुछ ज्यादा ही ओवर जेलस दिखा रहे, आई डोंट। बट हां, अपना एजेंट केपा इज देयर, ऑल्दो एक तो भाई ऑलमोस्ट गिफ्ट कर दिया गोल, लकीली स्कोर नहीं किए, एंड कहीं ना कहीं आप रहीम स्टर्लिंग भी बोलो क्योंकि परफॉर्म अच्छा नहीं किया उसने, ऑल्दो ही वाज टेकन ऑफ, और केवियर वाज ब्रॉट ऑन बाय द वे, जो बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। और भाई टॉक अबाउट पीपल परफॉर्मिंग बैडली, डेविड राया भाई, व्हाट अ ब्लाइंडर ऑफ अ बैड मैच ही हैड। लेकिन बैड मैच शायद हो अ सर्टेन न्यूकासल का, यस, इट इज गुड फॉर ऑपोजिशन फैंस, नॉट जस्ट आर्सेनल ड्रॉपिंग पॉइंट्स। न्यूकासल ने ड्रॉप किया पॉइंट्स एट होम ऑल 3 पॉइंट्स टू ब्राइटन, ऑल्दो वो लोग बहुत चांसेस बनाए थे और काइंड ऑफ सरप्राइजिंग दैट वो लोग एक भी गोल नहीं किए, लेकिन स्पेशली गॉर्डन, लेकिन यू हैव टू गिव टू वर्ब्रुगन गोलकीपर ऑफ ब्राइटन और डैनी वेलबेक। अब डैनी वेलबेक एक आर्सेनल प्लेयर भी था, रिमेंबर, वहां पर आर्सेनल के लिए गैब्रियल जेसस सब्स्टिट्यूट जैसे आते और हकते हैं। डैनी वेलबेक वुड हैव बीन अ मच बेटर स्ट्राइकर देयर, जस्ट सेइंग। और हां, दैट वाज अ विनर आफ्टर ऑल। तो भाई ब्राइटन अभी उठ गई है चेल्सी के भी ऊपर, तो हो सकता है वी हैव टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स आज रात को, देखते व्हाट हैपेंस, वहां पर भी आएंगे। और भाई वॉच अलोंग है, जुड़ेगा फॉर श्योर अलोंग विद प्री मैच एज वेल विद द पैनल। बट हां, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस और टॉटनम फैंस खुश तो बहुत हो गए आप? यस, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड अ लोड ऑफ इंजरीज,
एरिक टेन हाग इंटरेस्टिंगली शुरू किए लिसांड्रो मार्टिनेज एज लेफ्ट बैक, और वन गाई मैनचेस्टर वर्सेस ब्रेंटफोर्ड में प्रोबेबली आप बोल सकते हो क्रिश्चियन एरिक्सन डार्बी था, आई थॉट वो बहुत इंप्रेस किया मुझे. यस, कैसेमिरो, ब्रूनो फर्नांडेस, रैशफोर्ड, हॉयलैंड, गार्नाचो, स्पेशली द मैन ऑफ द मैच गार्नाचो, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा एरिक्सन वॉज इन्वॉल्व इन बोथ द गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑन द अदर हैंड ब्रेंटफोर्ड क्या कर रही है भाई, फाइनली फर्स्ट मिनट में स्कोर नहीं किए, लेकिन हाँ उन्होंने पहले तो स्कोर किया आखिर जस्ट बिफोर हाफ टाइम. अब वो कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंस में हुआ, एक मोमेंट ऑफ द गेम था जहां पर डिलिक्ट ने एक चैलेंज डाला था एंड ही केम आउट ऑफ द वॉरियर ब्लीडिंग. लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा मच एज अ वॉरियर एंड आई एम अ डच फैन गाइस, ये भी बोलना चाहूंगा आई थिंक वो दो सेकंड पहले ही झुक गया, वो थोड़ा सा आई थिंक लापरवाह था एंड दैट्स व्हाई वो भुगते. क्यों? क्योंकि यस ही वॉज फाइन, लेकिन वापस से बैंडेज जाना था उसको दो तीन बार, और तीसरे बार क्या हुआ व्हेन ही वाज ऑफ द फील्ड इज व्हेन ब्रेंटफोर्ड स्कोर्ड. अब वो रूल है तो रूल है, कुछ नहीं कर सकते मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस. लेकिन सेकेंड हाफ में अगेन गार्नाचो स्पेशली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इन द फर्स्ट हाफ इज वेल, लेकिन सेकेंड हाफ में स्पेशली स्टूड आउट अलॉन्ग विद हॉयलैंड से करेक्शन कर रहा था, वेरी गुड ब्रिलियंट रैशफोर्ड असिस्ट एमस से, लेकिन अगेन एरिक्सन भाई ही वॉज इन्वॉल्व कैसे पास बिफोर द गोल, दोनों गोल्स के लिए बढ़िया. सेकेंड गोल के लिए भाई ब्रूनो फर्नांडिस का फ्लिक और हॉयलैंड का बहुत ही बढ़िया आई थिंक चिप शॉट था जहां पर यू हैव अ गोल, और हॉयलैंड बहुत अच्छे लग रहे कंपेयर टू ज़र्क्ज़ी, दैट्स फॉर श्योर विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. तो एरिक टेन हाग एक और हफ्ते तो बच गए नहीं क्या मिनिमम, लेकिन स्पर्स तो भाई उड़ रही. यस, आप बोलोगे यार इंटरनेशनल ब्रेक के पहले दे काइंड ऑफ बॉटल डेथ, वाइट ए कम बैक जो हम बात नहीं किए, इट वॉज अ क्रेजी सैटरडे क्योंकि इतने सारे कम बैक्स आई थिंक मुझे तो याद नहीं इतने सारे कम बैक्स सिंगल डे हुए, प्लस इतने सारे रेड कार्ड, इट वॉज कोड रेड ऑल टूगेदर. लेकिन टॉक अबाउट रेड कार्ड भाई, स्पर्स वाले गेम में भी रेड कार्ड है, और वो कैसा आया, मोहम्मद कुडूस जो पहले गोल मारा था, आई डोंट नो ही लॉस्ट हिज माइंड टोटली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो वैंडेवन को किक करने लगा, सार को बेसिकली थप्पड़ मार दिया, व्हाट नॉट हैपेंड, क्लियर रेड कार्ड, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन उससे भी पहले आई थॉट स्पर्स को देना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि स्पेशली बिटवीन से वो 50th और 60th मिनट में तीन गोल मारे, कहीं ना कहीं आई थिंक एंस पोस्टेकोग्लू ना एज मच एज मुझे मार्टिन जोल की याद दिलाता है, वर्स फैंस विनो यू नो या वनडे रामोस, लेकिन द पॉइंट बीइंग कि स्पर्स के मैच हमेशा बोरिंग नहीं होते थे देखने में, एज मच एज अब चेल्सी फैन आई एम सेइंग दैट, क्योंकि या तो बहुत बुरी तरह हारते थे या तो बुरी तरह जीतते थे, अच्छे तरह से जीतते थे, व्हाटएवर यू नो व्हाट आई मीन राइट. तो ड्रामा एक्साइटमेंट हमेशा रहता था एंड दैट इज व्हाट एंस पोस्टेकोग्लू टीम्स विल गिव यू. ठीक है, तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट. ऑफ कोर्स सॉन कमिंग बैक हेल्प्स, सॉन का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. आई मस्ट से कुरुचेवस्की का गोल आई थिंक वेरी क्रूशियल था, वो इक्वलाइजर, और फिर तो भाई क्या ही बोले, वो 10 मिनट में वेस्ट हैम लॉस्ट इट, और भाई लोपेटेगी नहीं चल रहे हैं, लोपेटेगी विल बी पॉसिबली द फर्स्ट मैनेजर फ्रॉम नाउ टू बी सैक्ड इन माय ओपिनियन, दैट्स हाउ बैड ही इज. अब तो कुडूस भी नहीं है नेक्स्ट मैच के लिए, लेकिन वो रेड कार्ड बोमने रिचार्लिसन क्या नाटक किया भाई, हेलो भाई वन हैज टू गिव हिम यू नो द थम्स अप फॉर श्योर फॉर डूइंग दैट. लेकिन थम्स अप देना पड़ेगा एस्टन विला एवरी के टीम को. यस, एस्टन विला आर डूइंग वेल भाई, वापस से कमबैक, क्या ही बोले यार, इतने सारे कमबैक्स किए सीजन में ऑलरेडी एंड मोर सो. ऑफ कोर्स पिवोटल मोमेंट था अवे टू फुलम जहां पर एमी मार्टिनेज ने सेव किया अ पेनल्टी ऑफ एंड्रियास परेरा. द घटिया पेनल्टी थी लेकिन द गाय इज हिम ब्रो, एमी मार्टिनेज अच्छा कीपर है आपको पता ही है, बट आई हैव टू गिव इट टू ऑली वॉटकिंस जो गोल मारा भाई, ड्रॉगबास्ट चैंपियंस लीग 2012 फाइनल का मिरर इमेज था वो, लिटरली आई एम टेलिंग यू इट वाज सो गुड इन माय ओपिनियन, वेरी गुड एस्टन विला डिस्पाइट यूरोप अच्छा कर रही है. अब देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करती है कि नहीं व्हेन दे हैव अ मिडवीक गेम, क्या बोलती जनता. लेकिन हाँ चेल्सी आज रात को जीतना पड़ेगा बिकॉज ब्राइटन एंड एस्टन विला जीते हैं. ऑन दी अदर हैंड यस, ड्रॉप पॉइंट विद आर्सेनल दैट इज गुड, लेकिन हम जीत सकते हैं और कुड बी हेड ऑन शोल्डर्स विद आर्सेनल फॉर ऑल वी नो. प्रेडिक्शन दीजिएगा, ऑफ कोर्स वी हैव डन कपल ऑफ प्रीव्यूज ऑलरेडी तो वो हम डिटेल में नहीं करेंगे. हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं एंजो फर्नांडिस को नहीं खिलाएंगे एक्सेट्रा, स्टार्ट नहीं करेंगे, नहीं यार सब बकवास है, लास्ट ईयर दिस टाइम ही हैड एक्चुअली अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल. तो मैं तो भाई चेंजेस नहीं करूंगा मेजर एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ टैक्टिकल ट्वीक्स, हम देखते हैं क्या होगा वो प्री मैच में बोलेंगे एंड वॉच अलोंग. बट ऑल्सो शाउट आउट टू जेमी वार्डी भाई, वापस से स्कोर किया ऑल्दो पेनल्टी. सी यू फॉर नाउ, ऑफ कोर्स हिट दैट लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑटो सीन नॉट जस्ट योर ऑल्सो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स वेरी सून देयर एज वेल. अप द चेयर्स नो मैटर व्हाट, और होपफुली वी शो कि भाई हम हो गए एटलीस्ट लिटिल हॉर्स, और लिवरपूल बिग हॉर्स नहीं है अभी तक, क्या बोलती जनता.